हूँ आपका दोस्त वंशी। दोस्तों, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और सेहत को अच्छा रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से हम इसे बारे में डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए एक्सट्रीम जिम ओनर को ट्रेनर ब्रदर वसीम के साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे, आने वाली जनरेशन जो जिम में ज्वाइन होने वाली है उनको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, या उनसे बात करेंगे। स्पेशली ज़्यादा बड़ी जगह है, ऐसा नहीं है, कंजेस्टेड जगह नहीं है। कार्डियो सेक्शन अलग, वेट ट्रेनिंग सेक्शन अलग, स्पेस अपने कहीं वेटिंग हॉल है अलग, हर वर्कआउट के लिए हमारे अलग अलग सेक्शन बना दिए। लोग लेग्स के लिए अलग सेक्शन, लैस के लिए अलग सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन, वॉशरूम लिए और स्पेशल क्लासेस लगाए, स्पेशल ट्रेनिंग दी है हमारे। और जुम्मा लेडीज के लिए हमारे स्पेशल क्लासेस लगाए, जुम्मा क्लासेस लगाए। एज पर्सन है जो 90 प्लस 60 प्लस जिसकी एज है उनके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जिसका वेट ज़्यादा है लेडीज के लिए उनके लिए ट्रेनिंग से हमारे स्पेशल ट्रेनिंग से अच्छे गाइड से हमारे यहाँ स्पेशल क्या है वो तो सर्टिफाइड ट्रेनर से हुए अच्छा है। लेडीज की जिनकी आने वाली जो जनरेशन है, यानी कि जो शर्मा में अक्सर नौजवान बच्चे ज़्यादा जिम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं और गलत रोटी या फिर गलत टाइट लेने की वजह से हालत नहीं बनती, उनके लिए आप क्या दे रहे हैं, उनको क्या गाइड? बस हमारे पास एक ट्रेनर रहता है उसके लिए, ठीक है, जो प्रॉपर गाइड करता है उसको, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट डे उठा तो हम उसको ऑब्जर्वेशन कराते हैं, ठीक है, वो कितना वेट उठाता है, कितना वेट कर सकता है, कितना स्ट्रेंथ है उसकी, स्ट्रेंथ हम लोग उसकी मेजर कर लेंगे, वो हिसाब से उसको पहले तो हम गाइड कर रखते हैं, ठीक है। गाइड कर रखे पास को अगर उसकी नींद प्रोटीन है, अगर नहीं कर सकता है प्रोटीन में, मतलब देखिए अब कैल्शियम की उसकी कमी रहती है, किसी को विटामिन की कमी रहती है, वो हिसाब से हम उसको देख के वो सजेस्ट करते हैं। तो हमारे पास प्रॉपरली उसके लिए भी ट्रेनर्स है एक्सट्रीम जिम में। तो जैसा कि आपने सुना कि एक्सट्रीम जिम में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है और लेडीज़ के लिए पर्दे का अलग इंतज़ाम है, और आने वाले जो भी न्यू बच्चे हैं उन लोगों के लिए अच्छे गाइडेंस के लिए ट्रेनर भी रखे गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत अच्छी मशीनें हैं जो गाड़ियों के लिए है, और बहुत स्पेस है यहाँ पे और अच्छी मशीनें मौजूद है। जो आपके दिमाग में बैठे हुआ है तो जिनको आए तो आपकी हाइट कम हो जाती है, ऊँच जाती है, ये सब बेकार के बातें हैं। आपके जो जेनेटिक है आपके वो ऑटोमेटिक बढ़ते रहते हैं, किसी के 17 ईयर तक बढ़ते, किसी के 21 ईयर तक बढ़ते, वो जेनेटिक इशू है, जेनेटिक में आपको आता है, ठीक है। और जो आपको डेली रूटीन के लिए कंपलसरी वॉकिंग और आपको डीप पुशअप एक एक्टिविटी करना जरूरी है आपके पीरियड में, तो एक्सरसाइज कंपलसरी हो गया है आपके पीरियड में। एक्सट्रीम जिम के एक और ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। नए जो बिगनर्स आते हैं बॉयज, उनके लिए क्या डाइट प्लान करते हैं यहाँ पे सर आप? बेसिक जो भी डाइट है वो डाइट देते हैं लोग को, मतलब जितना भी नेचुरल है जो भी फूड है वो फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि आया उसके लिए दो कर उसके लिए, जो भी बेसिक है वो नेचुरल सलाह है। उसके बाद देखा जाएगा उनका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी प्रॉपर, उसके बाद कर सकते हैं। और वेट लॉस जो बच्चे रहते हैं उनके लिए क्या डाइट है, वेट लॉस करना चाहते हैं उन्होंने का ये सवाल है कि खाने के फौरी बाद वेट कर सकते हैं, कितनी देर के बाद एक्सरसाइज करना जरूरी है? एक्सरसाइज जो है ना मिनिमम आपको 12 घंटे चाहिए, 12 घंटे जो खाना खाए उसके 12 घंटे बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वेट लॉस वाले जो है ना नहीं खाए तो अपना वेट लॉस होता, बोलते नहीं खाए तो वेट लॉस नहीं होता। खाना जरूरी है, जो भी है जंक फूड बाहर का फूड अवॉइड करना जरूरी है, घर के आइटम खा सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब में खाना चाहिए। ऐसा नहीं हम रात में खा रहे
सुझा रहे हैं, दिन में खाने सुझा रहे हैं, बहुत जरूरी है। आप जिम को यहाँ करवानी होकर वर्कआउट करना चाहिए, घर में वॉकिंग कीजिए, आप क्या जरूरत को जाइए, बल्कि घर में कैलरीज अच्छे कैलरीज को काउंट कीजिए, कितना अपन खा रहे हैं, कितना अपन बर्न कर रहे हैं वर्कआउट के अंदर। हमारे जिम में क्या है, स्ट्रिक्टली आने के बाद एक बच्चे को वेट करो, वेट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा है, 60% है कितना है, देखिए उसके हिसाब से उसकी 15 मिनट जो है उसको वर्कआउट करा दें। स्ट्रिक्टली वर्कआउट हमारे यहाँ अच्छा गाइडेंस ठहर के वर्कआउट करा देंगे, बॉयज के लिए गाड़ियों में फर्स्ट एड करके करा दें, उनका स्ट्रेंथ देना, डाइट प्रॉपरली डाइट बनाने के लिए ये डाइट खाना रेस्ट कितना चाहिए, रेस्ट बहुत जरूरी है, रेस्ट तो अपने बहुत जरूरी है, रेस्ट जितना अपन करेंगे उतना अच्छा है। जिनके एक और ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि जो यूथ जनरेशन जो फॉर्म तबाह हो रही है, सिगरेट और गुटखा जो खाकर होटलों पर रात में बैठ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहिए एक्सरसाइज के अंदर? आज जो हमारे माशरे में, आज हमारे फॉर्म में जो हमारे बच्चों का खराबा हो रहा, जो बच्चे आजकल रातों में लेट लेट जग रहे और जो उसमें बच्चों को नए नए शौका भुक्के के शौका लग रहे हैं, और जो है भुक्के के शौका लग रहे, सिगरेटों के शौका लग रहे, और उन्हें सुखने ज़्यादा हक उनके वालिदैन पे है, जिसकी वजह से आज उनकी औलाद की उनकी हाथ से निकल रही है। रीजन क्या है आपको बता दूँ, आजकल बच्चे तो उसको बोलेंगे पप्पा मुझे शौक एक नया फ़ोन आना, कौन सा फ़ोन बेटा, आईफोन आना, वो तो बाबा का कितना जिद कर रहा बच्चा, हमारा जिद ये है कि चिराग घर का वो तो दिला के दे रहे, मगर बच्चे की जो तो सेहत का ख्याल वालिदैन ही नहीं कर रहे। बेटा देखो जब आपको फोन हम बुलाए तो आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखो, आप स्पोर्ट्स में जाओ, आप कुछ तो फुटबॉल खेलो या जिम करो या बॉक्सिंग करो, ऐसा हमारे घर में कोई बोलने वाला नहीं रहा। और बच्चे आजकल जो लेट लेट हो तो घरों में रातों में दो तीन तीन बजे रात में जा रहे, कांगे तो बता बोलते दोस्त की शादी थी गया था उसके बाबा मामा उनके आगे तो उसको लेट गया, तो इसके वजह से क्या है कि फॉर्म बर्बाद है, आज तबाह है। क्यों बोलते हमारे भावों के मुझसे सुनाता हूँ, हमारे फॉर्म का मुझसे बिल्कुल हमारे नौजवानी को सुनाता हूँ, मेरा जाए भाई को दिख रहा रात भी तो रात में चबूतरे ठिकाना है, दिन में तो दिनों में गाड़ा में ठिकाना है, और वीडियो बनाने में तो माहिर है हमारे बच्चे, मेरे भाई बनाओ वीडियो, जिसको शौक नहीं होता वीडियो बनाने का, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, अपनी बॉडी को भी जो है उसको एक क्या बोलते हैं एक आइडियल बनाओ अपनी बॉडी को भी, लोग अपने को देखते थे शायद आप किसी के फॉलोअर न करें, आपके फॉलोअर लोग बने, आप अपने जिसम को और अपनी बॉडी को समझ लें, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और थोड़े नौजवान जो है आने वाली जो नौजवान है ऐसा देखने में आ रहा है गुंडागर्दी पर उतर रहे हैं, उनको कम एज में कम उम्र में गुंडागर्दी पर उतर रहे हैं, गलत शौकों में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अच्छाई के बारे में? तो आजकल बच्चे जो है घरों पर गाड़ियाँ लेके आ जा रहे हैं, कभी कुछ जो अम्मा बाबा खुश हो जा रहे हैं, हमारे बच्चे का दोस्त है, भाई बच्चे का दोस्त है तो बच्चा हमारा दोस्त बच्चे का क्या करता, उसका बिजनेस क्या है, काम क्या है, कॉलेज करता क्या करता, कुछ भी नहीं देता, खाली हारा बच्चा गरीब बिठा रहे देख सकते, फिर बच्चा जाकर वहाँ पर नाशा मार करना नहीं मालूम। नए जो रिंगर्स है जो जिम ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए क्या ऑफर से जिम में, और उनके लिए क्या बाइक प्लान देना चाहते हैं आप, और स्पेशल जिम में आपकी क्या बताइए? इंशाल्लाह हमारे जिम में तो स्पेशल रिंगर्स है, और दूसरी बात है सीजन में तो इंशाल्लाह बच्चों को हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा बैट करने की कोशिश करेंगे, और ऑफर भी अच्छे हैं मेरे जिम में, इंशाल्लाह ऑफर के लिए भी कुछ करेंगे, आप एक बार विजिट तो करिए जिम पर, बच्चों को अपनी यूथ के बच्चों को बताना चाहते हैं, एक बार आप जिम घूमेंगे देखिए, उसके बाद आपको बोलेंगे कि जिम क्या है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कई ट्रेनर से बात किया और जिम के ओनर से भी बात किया, और जिम की खसूसियत को जाना और हेल्थ के बारे में और आने वाली जनरेशन के बारे में बहुत अच्छे मैसेजेस को लेकर जिम यहां पर मौजूद है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि जिम में ज्वाइन होइए, और सड़क पर हमारा गर्दी करने से अच्छा है कि अपनी सेहत पर ख्याल रखते हुए अपने जिस्म को भी थोड़ा सा टाइम देकर एक्सरसाइज करने के लिए आइए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप देखते रहिए टीवी 29 न्यूज़।